भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर से देंगे लाडली बहनों को सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में फैसला लेते हुए बहनों को मिलने वाले 33% आरक्षण मिल रहा है, उसे बढ़ाकर हमने 35% किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जो बहनों को शासकीय सेवाओं में 35% आरक्षण दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज इंदौर से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,250 रुपये की नवंबर माह की किस्त भेजी जा रही है। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,573 करोड़ दिए जाएंगे। साथ ही साथ सिलेंडर रिफिल के लिए 26,00,000 बहनों को 55 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। 55,00,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रुपये की राशि भी खाते में डालेंगे। दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विकास के साथ जन सुविधाओं को देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आज इंदौर में रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है, अर्थात 2% भी ज़्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात का भी संतोष है। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में जो 1,250 की किस्त डाली जा रही है वो आज हम डालने वाले हैं। इसके माध्यम से 1,29,00,000 बहनों के खातों में 1,573 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ 26,00,000 लाडली हमारी बहनों के लिए, खासकर जिनकी गैस सिलेंडर रिफिल की जो राशि है वो भी हम 55 करोड़ रुपया आज एक साथ अंतरित करने का निर्णय कर रहे हैं। 55,00,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ की राशि भी आज डालने का निर्णय किया गया है। कई सारी सौगात लेकर के मैं आज जा रहा हूं। इंदौर में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा जब हम अपने इन सारी व्यवस्थाओं के साथ दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज ट्राइसिकल और अन्य कई उपकरण भी देने वाले हैं। 450 से अधिक निःशक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को लैपटॉप, दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसिकल और अन्य चीज़ों का हम वितरण करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के विकास के मामलों में जनता हमारे इस भाव को समझेगी। कदम से कदम मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और जिस प्रकार से वातावरण बना है मध्य प्रदेश में, खासकर विकास के साथ साथ जन सुविधाओं को भी देने का ये जो निर्णय किया गया है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों को बदलाव लाएगा और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के पथ पर चलें। आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः शुभकामना बधाई।